हमारे भारतीय जवानों पे जो हमला हुआ है, जो शहीद हुए हैं, उन सभी शहीद जवानों को मैं पूर्ण मीरा भाईंदर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवारजनों को जो ये दुख की घड़ी में वो सफ़र कर रहे उनको ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। पूरा शहर, पूरा देश आज एक अलग माहौल में है, सभी हताश है, दुख है, क्योंकि ये जो हादसा हुई, घटना हुई, एक अलग सा माहौल देश में बना। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति को कुछ कहना नहीं पड़ा। हर देश का व्यक्ति चाहता था कि अब बहुत हो गया है, बस हो गया है, और एक अलग सा आक्रोश था। वहीं दूसरी तरफ सभी के अंदर, मन के अंदर, उन परिवार के प्रति अलग सा एक भाव भी था। मैं सबसे पहले उन सभी शहीद जवानों को दिल से वंदन करता हूँ, उन माता पिता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया और हमारी और आपकी रक्षा के लिए देश पे, बॉर्डर पे उन्हें भेजा, तैनात किया। मैं उन माता पिता का भी धन्यवाद देता हूँ, ऐसे हादसे होने के बाद भी आज भी अपने बच्चों को प्रेरणा देते, प्रेरित करते कि वो नेवी में जाए, आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए और देश की रक्षा करे, और समय आने पर सरकार इसका उचित न्याय करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि नगर पालिका ने भी अपनी ओर से, नगर पालिका मतलब इस मीरा भाईंदर शहर के जन, सभी जन सामान्य की पालिका हुई, एक श्रद्धांजलि का आज कार्यक्रम आयोजन किया गया था। हम सब ने उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और मैं फिर एक बार उन परिवार को, उन माता पिता को नमन करता हूँ। नगर महापालिकेच्या वतीनं शहरातील सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, सर्व पक्षांचे प्रमुख, आमदार, माजी आमदार, महापौर, माजी महापौर, सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचे पत्रकार बंधू, अशा सगळ्यांच्या उपस्थितीत माननीय महापौर मॅडमने आम्हाला विनंती केली होती की शहरामध्ये विविध ठिकाणी श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम होत आहेत, महापालिका स्तरावर, शहर स्तरावर एक असा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आयोजित करावा, त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आणि मला अभिमान वाटतो की शहरातील सर्व पक्षीय नेते, आमदार, महापौर, उपमहापौर, सर्व महापालिकेचे पदाधिकारी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, माजी सैनिक, NCCचे सर्व विद्यार्थी, अग्निशमनचे आमचे अधिकारी, महापालिकेचे सर्व अधिकारी आणि आपण सर्व प्रेस मीडियाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहून जे दुःखद घटना झालेली आहे जम्मू काश्मीरमध्ये, आपले जवान जे शहीद झालेले आहेत त्यांना या ठिकाणी सर्वानुमते श्रद्धांजली वाहण्यात आलेली आहे। मी त्यांच्या कुटुंबांना शक्ती प्रदान हो, देश सर्व त्यांच्या पाठीशी आहे, अमर जवानाच्या आत्म्यांना शांती लाभो, असे आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी पुनश्च श्रद्धांजली वाहत आहे।
जय महाराष्ट्र माता की जय।